की रणनीति तय करेंगे। कल का दिन काफी अहम था और आज का दिन भी काफी अहम है, क्योंकि 22 तारीख को राकेश टिकैत और बड़े नेताओं को लखनऊ जाना है, वहां पे महापंचायत है, एक शक्ति प्रदर्शन है किसानों का। उसके बाद लगातार का जो कार्यक्रम पहले से शेड्यूल था वो दिल्ली में लगेगा, चाहे 29 तारीख की बात है या संसद का सत्र शुरू होगा। आनंद, सवाल तो है ना, कृषि कानून वापस लेने का ऐलान खुद राष्ट्र के संबोधन में पीएम मोदी ने किया था, तो फिर ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन, ये किस लिए हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हर दिन एक नई डिमांड जो है किसानों की अब सामने आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से बातचीत में इस बात का दावा किया कि किसान आंदोलन से जुड़े जो कार्यक्रम पहले से तय हैं वो जारी रहेंगे और 22 तारीख को लखनऊ में महापंचायत होगी। राकेश टिकैत ने आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की भी मांग की है। सर, बैठक खत्म हो गई है, क्या बातचीत हुई आपकी? बातचीत तो यह हुई कि जो किसान शहीद हुए मुकदमे हैं इस पे भारत सरकार बातचीत करे, और जो हमारे प्रोग्राम लगे हुए थे वो कंटिन्यू प्रोग्राम अभी जारी रहेंगे। ये भी बोला गया है कि 22 तारीख को महापंचायत होगी लखनऊ में, और उसके बाद एक साल पूरे होने पर एक तरीके से फिर से दिल्ली के बॉर्डर का घेराव किया जाएगा। नहीं, घेराव तो ही लोग आएंगे बॉर्डर की तरफ, क्योंकि एक साल हो जाएगा तो लोग बॉर्डर पे भी आएंगे, उनकी मीटिंग होगी बॉर्डर पर। सर, स्मारक बनाने की बात भी की जा रही है और मुकदमे वापस लेने की बात की जा रही है। अब तो मुकदमे वापसी कौन लेगा, आंदोलन के दौरान के मुकदमे वापसी कौन लेगा, वो तो सरकार ही वापसी लेगी ना, उसमें क्या कोई खर्च है सरकार का मुकदमे वापसी लेने में। भी बोला गया है कि जो संसद का सत्र शुरू होगा तो एक बार फिर से संसद घेराव करने आप लोग पहुंचेंगे, पिछली बार जैसे आपको जंतर मंतर एक जगह दी गई थी। नहीं नहीं, वो अपने जो प्रोग्राम है वो 500 लोग जो जाएंगे 35 ट्रैक्टरों के साथ में, तो प्रोग्राम भी हमारा होगा और वो इसी रास्ते से जाएंगे, दो बॉर्डर जो खुले हुए हैं उनसे जाएंगे, वो पहले ही प्रस्तावित है। सर, आप लखनऊ कब जा रहे हैं महापंचायत जो है सर, एक बड़ी 22 तारीख की मीटिंग है तो 22 में जाएंगे वहाँ। 22 में जाएंगे सर। सर, कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ नेताओं के बयान आए हैं कि सरकार को बहुत पहले यह फैसला ले लेना चाहिए था और किसानों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, दीपेंद्र हुड्डा ने बोला है। हाँ, नहीं ठीक बोल रहा है, सरकार को ले लेना चाहिए था बहुत पहले। सर, वहीं बीजेपी एक बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी वो कह रहे हैं कि संवेदनशील मुद्दा था, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और सरकार ने किसानों के हित में कानून लेके आई थी। नहीं होनी चाहिए, राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, सारे ठीक कह रहे हैं, हम तो जो को कह रहे हैं वे सारे ठीक कह रहे हैं। जब तक मुद्दे लिखित में आप बोला है नहीं हो जाए सर, क्लियर है, और भी बहुत इशू है, उन पर बातचीत शुरू हो, एक टेबल पे आए और अब इसका समाधान की तरफ जाए, संघर्ष समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा, अब समाधान की तरफ जा रहा है तो इसका हल निकालना चाहिए सरकार आपको बुलाएगी कि आप खुद पहल करेंगे कि सरकार से अब बैठक हो टेबल पे कि भाई कब तक ये चीजें सारी क्लियर होंगी, जो आप लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि पार्लियामेंट में सरकार ने बोल दिया कि पार्लियामेंट में तो हम इसको रद्द करेंगे, लेकिन आप टेबल पे मिलना चाह रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला सर और भी बहुत मसले हैं तो बैठ के बातचीत में आएगा। शुक्रिया।